बहरहाल छत्तीसगढ़ के बाद अब बात मध्य प्रदेश की, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बेचैनी है। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार आज भी नहीं हुआ और आने वाले एक दो दिन में होगा या नहीं, इस पर भी सवाल है। दरअसल बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल दौरा फिर टल गया है। वे बुधवार को भोपाल आने वाले थे, हालांकि सियासी गलियारों में जो खबर है उसके मुताबिक मंत्रिमंडल का विस्तार न हो पाने की बजाय कई वरिष्ठ नामों पर सहमति न बन पाना है। लेकिन सवाल यह है कि आलाकमान से सीएम शिवराज की मुलाकात के बाद भी किस नाम पर पेच क्यों फंसा है? आखिर कौन है वो माननी जिनकी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार लंबे समय से अटका हुआ है? इस पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि 29 जून तक कहा जा रहा था कि 30 जून को टीम शिवराज में सदस्य बढ़ जाएंगी, लेकिन मंगलवार को भी मंत्रिमंडल के विस्तार की कहानी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। वहीं बीजेपी का पूरा फोकस उपलब्धि दिवस पर है, जिसे भाजपाई शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर 3 जुलाई को मनाने जा रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच मंत्रिमंडल विस्तार के लगातार टलने से उन विधायकों और नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है जो टीम शिवराज का हिस्सा बनना चाहते हैं। प्रयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार मंत्री बनने की चाहत रखने वाले कई वरिष्ठ विधायकों और नेताओं की वजह से टल रहा है। वैसे यह स्थिति तब है जब दिल्ली में कड़ा मंथन होने के बाद नामों पर अंतिम मुहर लग चुकी है। सीएम शिवराज सीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें पूरी जानकारी भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ रुका हुआ है, तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा पेच जरूर फंस रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या राजेंद्र शुक्ला, भूपेंद्र सिंह, गौरी शंकर बिसेन, विजय शाह, पारस जैन, करण सिंह वर्मा, सीता सरन शर्मा समेत कुछ और विधायकों और नेताओं की वजह से शिवराज कैबिनेट का विस्तार अटका हुआ है। वैसे सियासी गलियारों में खबर ये भी है कि सिंधिया के ज्यादा से ज्यादा समर्थक नेता जो उनके कहने पर बीजेपी में आए हैं वो मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन सबको खुश करना नामुमकिन है, ऐसे में विस्तार नहीं हो पा रहा है। खैर, तमाम उलझनों के बीच विस्तार की बेचैनी और कितने समय तक रहती है ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर जो बेचैनी है वो कब खत्म होगी, इस बात को वरिष्ठ बात करने के लिए स्टूडियो मौजूद है 3 वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है मेरे पास। सबसे पहले सुशी के साइनी जी है, साइनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष दुबे जी हैं और के अग्नोत्री जी, आप दोनों लोग स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे स्टेट ब्यूरो हेड अनिल सिंह कुशवाहा। लेडीज फर्स्ट, साइनी जी, निश्चित तौर पर आप बहुत बड़े नेशनल लेवल की मीडिया को बिलोंग करती हैं, तो आपको ज्यादा बेहतर मालूम होगा आखिर ये विस्तार टल क्यों रहा है। अभी अभी शिवराज जी ने ये भी कह दिया है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, तो मैंने कल का जो प्रश्नवाचक कल हो सकता है या नहीं, इस पे उन्होंने आगे कह दिया कि विराम लगा दिया कि भाई मीडिया वालों तुम लोगों के लिए अब मैटर खत्म कि कब होगा कब नहीं, लेकिन जल्द होगा ये भी कहा। क्या कहेंगे साईनी जी? पंडित जी, ये बहुत चुनौती भरा समय है शिवराज सिंह जी के लिए। एक तो अब चुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव है और ये बहुत मुश्किल घड़ी है उनके लिए, क्योंकि अब जितने कांग्रेस के जो लोग बीजेपी में आए हैं विधायक, उनके कमिटमेंट उनको पूरा करना है। वो कमिटमेंट दिया होगा उनने आने के पहले, वो कमिटमेंट से वो पीछे नहीं हट सकते। और जो बीजेपी में जो लोग हैं उसमें भी कई सीनियर लोग हैं, जहां तक मुझे लगता है हाईकमान का ये इच्छा है कि जो यंग लोग हैं या जिनको मौका नहीं मिला उनको मंत्रिमंडल में लाना है। वहीं शिवराज जी चाहते हैं कि उनके जो खास लोग हैं वो मंत्रिमंडल में कुछ तो लोग रहें, 4-5 लोग तो अपने रखना चाहते हैं। वहीं नरोत्तम मिश्रा जी भी अपने, मतलब उनका बहुत बड़ी भूमिका रही है सरकार बनाने में। अरविंद भदौरिया जी हैं, उनका अपने वो है, संघ का भी कुछ लोगों के अपने पसंद है कि उनको बनाया जाए, तो संघ है, संगठन है, शिवराज जी हैं, तो इन सब के चलते हुए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये तय करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि किसको हटाया जाए। और कुछ पुराने मंत्री जो रह चुके हैं उनके नाम कटने का भी बहुत सारे संकेत आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य जी हैं, मैंने कहा कि नंबर आएगा सिंधिया जी के लोग को तो लेना ही है उनको जी। और उसमें से 11 लोग जो उनके बन रहे हैं जो कांग्रेस में आए हैं विधायक,
उनमें से सिंधिया जिनका नाम काटना चाहेंगे वो कटेंगे, बाकी तो सब रहेंगे उसमें। वो तो सिंधिया जी के छह ही थे। हाँ, तो पर यहाँ बीजेपी के इतने सारे लोग हैं जो ऑलरेडी मंत्री पहले रह चुके हैं, उनका नाम कटें या नए लोगों को लें, क्योंकि मुझे लगता है यंग लोगों को एक बार मौका देने का जो हाईकमान का एक विचार है उसके वजह से भी कहीं ना कहीं पेच अटक रहा है। पर ये बहुत सीरियस मामला, क्योंकि शिवराज जी कभी भी दिल्ली में जाकर रुकते नहीं, जब भी वो मुख्यमंत्री रहे हैं तो वो कभी दिल्ली में रुके नहीं है, और वो इस बार रुके हैं वहाँ पे, इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला बहुत गंभीर है, मामला फंसा है। आशीष जी, सरकार गिराने में तो बहुत अच्छा लगा, जब वो गिरा रहे थे तो उनके पलक फावड़े बिछा रहे थे, आरती उतारी जा रही थी। अब चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि छह जो सिंधिया जी से कमिटमेंट किया है उसमें भी कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है कि हम अपने लोगों को नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। अरे आप 5 साल के लिए बाहर ही थे, उनने तो सरकार गिराई, पूरों को एडजस्ट कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छह ही रहे, जो चार जिनने सबसे पहले शुरुआत की, डंग ने, हेमंत सिंह कंसाना, फिर मतलब जो सिंधिया जी के साथ नहीं थे, ये आप भी जानते हैं, ये अलग अलग लोगों के साथ थे, कोई मीनाक्षी जी के साथ था, कोई दिग्विजय सिंह जी के साथ था, कोई दूसरी तरफ था। अब वही सरकार गिराने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब एडजस्टमेंट जो आपने समझौता किया था वो कहीं पेच फंसा रहा है या बीजेपी के अंदर का पेच फंस रहा है, क्योंकि इस बार बहुमत नहीं है। अब चुनाव के बाद बहुमत होगा या शिवराज जी के चेहरे पे बहुमत नहीं मिला है, ये जोड़ तोड़ के आधार पे फिर से सरकार बनी है, ये पेच हो सकता है, क्या है? देखिए, सबसे पहला इसमें जो उलझन है या जो अड़चने हैं, मुझे लगता है वो पहले सिंधिया की वजह से ये पूरा एक उलझन खड़ी हुई है, क्योंकि उनके एक बड़े संख्या में जो 11 लोगों के पद मांग रहे हैं, एक डिप्टी सीएम सहित तो 10 मंत्रियों का पद, जो चीजें ऐसी सामने आ रही हैं कि वो उसी पे बात करना चाहते हैं। और सरकार गिराने के पहले जो आपस में जो समझ बनी थी भाजपा और सिंधिया जी के बीच में, तो वो उसके उसका पूरा वो कराना चाहते हैं कि उस तरह से ही मामला आगे बढ़े। बीजेपी की उलझन ये है कि अगर 11 लोग या 10 या 11 लोग, आशीष एक मिनट रोके, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रहे हैं गोपाल भार्गव जी, वरिष्ठ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल भी मैंने उनसे बहुत प्रयास किया पूछने का, आज एक बार फिर प्रयास करता हूँ। भार्गव जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहे हो, स्वराज एक्सप्रेस से आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी नमस्कार। कल आप रहली से चले थे और उतरे ही थे, आपके पास ज्यादा समय नहीं था, 1-2 मिनट था, आपने कहा भी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आज दिन भर आप भोपाल में थे, थोड़ी बहुत तो आज जानकारी दे दीजिए दर्शकों को। नहीं, सच में कोई जानकारी नहीं है जी, किसी संपर्क भी नहीं हुए हैं जी, और निवास पर ही हैं जी 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 जी। और आज तो दूरभाष चालू है आपका, आज तो दूरभाष चालू है आपका फोन, दूरभाष दिन भर से चालू है तो थोड़ा बहुत तो दर्शकों को बता दीजिए, बहुत उम्मीद लगाए बैठे हम भी, उम्मीद में हैं आपके साथ। नहीं, क्या बता दें हम तो इसके बारे में कुछ नहीं, कब होगा विस्तार, जैसे सिराज जी ने अभी कह दिया है कि कल नहीं होना है। हम लोग बहुत उत्साहित थे कि आनंदीबेन जी, महामहिम राज्यपाल जी कल आएंगे, उनका दौरा कार्यक्रम आ गया है, 3:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे और 4:30 चली भी जाएंगी। हम लोग कयास लगा रहे थे कि पहले वो शपथ लेकर के आप सब लोग शपथ दिलवा के जाएंगी, लेकिन अभी सिराज जी ने कह दिया कि कल नहीं होना है, तो आखिर जल्दी होना चाहिए, आपका मतलब क्या है, जल्दी होना चाहिए या अभी और टलना चाहिए? इस बारे में क्या कह सकता हूँ, ये तो मुख्यमंत्री जी का और पार्टी नेतृत्व का विशेष अधिकार है, इसके बारे में आप पार्टी नेतृत्व के साथ है, आप अपने आप को नेतृत्व से पीछे क्यों ले जाते हैं? आप 1985 से विधायक है, सिराज जी से भी सीनियर है। नहीं, फिर ये भले ही जी कोई आयु या कार्यकाल में कम्बल हो, लेकिन नेतृत्व तो नेतृत्व ही है और जी होता है जी, और सबको मानना पड़ता है नेतृत्व का। तो इसमें आयु का और कार्यकाल का कोई महत्व नहीं होता जी, इसमें तो जो नेतृत्व है हमारा वही सब निर्णय करता है। हालांकि हमारा ये सवाल है, अंतिम सवाल है, इस पे आप कहेंगे पार्टी जो निर्णय देगी वो स्वागत है, हमें स्वीकार है, निश्चित तो यही उत्तर आएगा, लेकिन फिर भी सवाल करना एक हो गया। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि आपकी वरिष्ठता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष बनाने के लिए पेशकश की गई है आपको? नहीं नहीं, मेरी आज तक कभी इस संबंध में कोई इस प्रकार की बात नहीं हुई जी, और यदि हुई होती तो मैं निश्चित रूप से आपको बताता जी। चलिए, शुभकामनाएं एक बार फिर से हमारी आपको, कल भी दी थी, देते रहेंगे, कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे, जब तक हमारी शुभकामना सटीक नहीं बैठेगी तब तक हम देते रहेंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी आशीष जी जी। तो जो मुझे लगता है कि सारा जो सबसे बड़ा जो एक दुविधा है उसमें ये सिंधिया के समर्थकों को लेके भाजपा में है, क्योंकि भाजपा में जो लोग बाहर से आते हैं दूसरी पार्टी से उनको बहुत आसानी से इस तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता किया जाता है। ये इस तरह के बहुत सारे उदाहरण है, खासतौर पर कांग्रेस से जो लोग गए हैं उनकी जो भाजपा में बाद में स्थिति हुई है। तो और चूंकि अभी तकनीकी पक्ष ये भी है कि जो जिन लोगों को मंत्री बनाया जाना है वो विधायक भी नहीं है, तो भाजपा के वो लोग उन लोगों का चांस इसमें मारा जा रहा है जो अगले जो चुनाव हार चुके हैं या अगले चुनाव की तैयारी में थे या जो बहुत मजबूत उम्मीदवार थे और टिकट नहीं मिला था तो वो सोच रहे थे कि आगे, तो उनका भविष्य भी इसमें फंस रहा है। तो भाजपा में इसको लेकर अंदर साल रहते ही नहीं सरकार में, कांग्रेस नहीं आती तो क्या करते नहीं, वो तो फिर वो स्थिति वही थी। लेकिन अब चूंकि सत्ता मिल गई है तो बहुत सारे इंटरेस्ट पैदा हो गए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा में एक जो पुराने चेहरों की बातें आ रही हैं और नए चेहरों की जो बातें आ रही हैं वो भी एक सबसे बड़ा एक समस्या है, क्योंकि 11 एक बड़ा संख्या जो है अगर सिंधिया समर्थकों के पास जाती है तो भाजपा के पास बहुत सारे ऑप्शन बचते नहीं है, उनका जातीय संतुलन भी बिगड़ता है कैबिनेट में और क्षेत्रीय संतुलन भी बिगड़ता है। तो ये सारी दुविधाएं जो है मुझे लगता है कि इसकी वजह से परेशानी है। और जो ये डिप्टी सीएम की जो बातें आ रही हैं, कमलनाथ सरकार में भी सिंधिया जी ने ये बात की थी कि एक डिप्टी सीएम उनका होना चाहिए, ये बात खुद कांग्रेस के नेताओं ने भी स्वीकार की थी लेकिन कांग्रेस ने उस बात उसे माना नहीं था। तो ये डिप्टी सीएम का जो एक नया मामला है, अगर ये पद उनके किसी समर्थक को दिया जाता है तो निश्चित तौर पर भाजपा में भी एक डिप्टी सीएम अपना उन्हें बनाना होगा, और यहाँ पर आकर एक नया पावर सेंटर भाजपा में बनेगा। मुझे नहीं लगता कि इसको मौजूदा जो मध्य प्रदेश का निजाम है उसको आसानी से मानेगा। तो ये सारी जो दुविधाएं हैं ये सब इसमें एक मुश्किल का सबब हो रही है। और जो आज भी जो दो दिन दिल्ली में जो बातें हुई हैं, जो हमारे सूत्र भी बताते हैं कि दिल्ली में जिस तरह से चीजें हुई हैं वो जो यहाँ से जो प्रपोजल गए थे या यहाँ से जो चीजें गई थी वो सब बदल गई हैं। भाजपा भी ये चाहती है कि नए चेहरे सामने आए, लेकिन नए चेहरे वो जो वरिष्ठ हों, जो कई बार चुनाव जीत रहे हैं लेकिन अभी तक जिन्हें मौका नहीं मिला है, उस तरह के चेहरे भाजपा सामने ला रही है। तो अगर ऐसे सामने चेहरे आते हैं तो शिवराज सिंह की पुरानी टीम बिखरेगी या उसको कम मौके मिलेंगे। तो ये सारी दुविधाएं ऐसी हैं जिसको लेके हाईकमान ने कहा है कि आपस में सहमतियां बनाए, समन्वय बनाए, उसके बाद बात होगी। तो ये एक सबसे बड़ा इसमें पेच है जो सामने नजर आता है, और मुझे नहीं लगता है कि ये मामला इतनी जल्दी सुलझेगा। ये भी हो सकता है कि अगर कभी कैबिनेट का विस्तार हो तो वो वैसा ही हो जैसे पहली बार हुआ था 5 मंत्रियों का। अग्निहोत्री जी, क्या मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जिस तरह से कांग्रेस में कलह उभर के सामने आई थी, क्या ऐसी उम्मीद है खासकर ऐसे लोग जो कांग्रेस के साथ हुआ है वो बीजेपी के साथ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए, कल इसी विषय पर इसी समय पर हम बैठे थे और मैंने कहा था कि मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि कल विस्तार होगा, हो सकता है, इस तरह की स्थितियां थी। लेकिन अभी सूत्र तो यही बता रहे थे कल होगा, लेकिन सूत्र को उन्होंने खारिज कर दिया, सब कुछ खारिज हो गया। अब नई जो जानकारी आई है, मैं आशीष जी से सहमत हूँ कि दो प्रकार के पेंच फंस रहे हैं। पहला तो मुख्यमंत्री का है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस सरकार में भी अपनी ये डिमांड रखी थी कि उनका एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, और यही डिमांड जो है सिंधिया जी की अब भी है कि उनका एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। और चूंकि यदि सिंधिया जी का एक उप मुख्यमंत्री होगा तो भारतीय जनता पार्टी भी एक डिप्टी सीएम का अपना पद लेगी, तो ये एक तो पेंच है। दूसरा, जो वरिष्ठ है भारतीय जनता पार्टी में जिनको दरकिनार नहीं किया जा सकता मंत्रिमंडल से और उनकी क्लेम बहुत तगड़ा है, उनका भी एक पेंच फंस रहा है। तो संख्या आधार पर भी है, जैसा कि आशीष जी कह रहे हैं कि जो 11 की संख्या में सिंधिया समर्थक मंत्री बनना चाहते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं और जो नए चेहरे जो सामने लाना चाहती है नेतृत्व, तो उन सब के पास भी सीमित वो बचता है अपॉर्चुनिटी। तो ये सारी बातें हैं जिनके कारण सारे पेंच फंस गए, और ये जानकारी भी है कि कल आ रही हैं महामहिम और अपनी शपथ लेंगी और उसके बाद वापस उत्तर प्रदेश लौट जाएंगी, तो उसमें शपथ ग्रहण की कोई गुंजाइश नहीं है कि जो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना है। तो अब कब शपथ ग्रहण होगा, ये जो क्यूरियोसिटी सभी दर्शकों में भी है, सारी जनता में भी है, तो
वो अभी तो कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है कि शपथ ग्रहण कब होगा, लेकिन जो दो प्रकार के जो पेच फंसे हैं वो यही हैं। बिल्कुल पेच ही पेच है, समझ समझ का फेर है, समझ सको तो पेच, नहीं समझ सके तो खुद पेच। अनिल जी, एक सवाल जो मीडिया में नहीं आ रहा है सामने, शायद आपसे मेरी दोपहर में चर्चा भी हो रही थी और इस बात पे भी बात हुई थी, और बीजेपी में ऐसा हो भी सकता है, इस बात को लेकर के भी सिंधिया खेमे के जो मंत्री बनने हैं, इस बात को लेकर भी कहीं न कहीं चर्चा हो रही है कि जो कैबिनेट मंत्री थे, आप भी जानते हैं उसमें दो ऐसे हैं जो दूसरी बार ही एमएलए बने हैं, कैबिनेट मंत्री बना दिए गए हैं, और यहां पांच बार चार बार तीन बार के बाद बीजेपी में पहले राज्य मंत्री बनाया जाता है। उमा जी के समय की बात अलग थी कि अर्चना चिटनिस पहली बार जीती थी, कैबिनेट मिनिस्टर बना दी थी, उनमें दो लोगों को राज्य मंत्री बनाने की बात भी हो रही है। ऐसी स्थिति में एक और उदाहरण है, बीजेपी पटवा सरकार में भंवर सिंह पोरते थे, वो बोरा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, और वो जब बीजेपी में उनको लाया गया मान मनोबल के साथ लाया गया, और जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उनको राज्य मंत्री बना दिया गया, वो नाराज भी हुए थे राजभवन में काफी। तो इस बात को भी लेकर के कहीं ना कहीं खुड़पेच हो रही है क्या, पेच नहीं खुड़पेच? ये मसला तो है ही, क्योंकि बीजेपी जब इस पूरे मामले में मंथन कर रही है, मुख्यमंत्री जो सूची बना रहे हैं उसमें सारी बातें ये भी शामिल हैं, क्योंकि कमलनाथ सरकार ने जो परंपरा शुरू की है कि सभी को कैबिनेट मंत्री बना दिया, नए चेहरों को जिनको कोई अनुभव नहीं था, जो पहली बार के विधायक थे उनको भी मौका दे दिया था, और जो सिंधिया के समर्थक है वो दूसरी बार के विधायक के दो तीन ऐसे सदस्य हैं, और कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो मंत्री बने थे जिनको सीनियर जरूर थे लेकिन मंत्री बनने का अवसर पहली बार मिला था, जबकि राजनीति में भले ही सीनियर हो लेकिन पहले राज्य मंत्री बनाया जाता है, स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, फिर कैबिनेट मंत्री। ये सारी परंपराएं रही हैं, अब ये परंपराएं टूट गई, अब बीजेपी को इसके बीच में तालमेल कैसे बिठाना है, क्योंकि उसके पास जो विधायकों की जो विधायक हैं लगभग सभी सीनियर विधायक हैं, अगर किसी सीनियर विधायक को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई जाती है तो निश्चित तौर पर जो जूनियर विधायक जो सिंधिया समर्थक है वो कैबिनेट मंत्री के दर्जे के रूप में, तो ये कहीं ना कहीं ये टीस रहेगी, और राजनीति में मान अपमान सम्मान इसका बड़ा महत्व रहा है, और ये चुनौतीपूर्ण तो है बीजेपी के लिए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए। एक बात अभी आ रही है अनिल, आप वहां के भौगोलिक स्थिति को बहुत समझते हैं, अच्छे समझते हैं, राजनीति के वहां की परिस्थितियां क्या है इसको बहुत अच्छे समझते हैं, चंबल और ग्वालियर ये भी आ रही कि वहां से कितने बना दिए जाएंगे, तो बीजेपी के वहां से भी बहुत सारे दावेदार हैं, इस बात को लेकर भी क्षेत्रीय संतुलन कैसे बना जाए, इस पे भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ। सिंधिया समर्थकों की बात करें तो ओपीएस भदौरिया भी दावेदार है, रणवीर जाटव का नाम भी उछला है, अब रणवीर जाटव का नाम सामने कैसे आया, क्योंकि अरविंद भदौरिया वो एक चेहरा है जो आखिर वक्त तक ये ऑपरेशन लोटस में जुटे रहे, और मुझे लगता है उनके खिलाफ उनके घर में पुलिस तक सर्चिंग करने पहुंच गई थी, तो काफी मजबूती से, तो मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, और संघ भी चाहता है कि अरविंद भदौरिया को इस बार जगह दी जाए, और नया चेहरा भी, और नए चेहरे की बात इसीलिए भी उठ रही है क्योंकि ऐसे लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी अब 21वीं सदी की आगे है और ये सारी चीजें बदल रही है। लेकिन बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अरविंद भदौरिया के नाम पर बिल्कुल सहमत नहीं है, और एक केंद्रीय मंत्री भी बीडी शर्मा की बात से सहमत है, तो अरविंद भदौरिया का नाम कट करने के लिए रणवीर जाटव का नाम आगे बढ़ाया गया है, तो ये असंतुलन जो हो रहा है ये भी बीजेपी में कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है, और इस कारण ये चीज जो रबड़ की तरह लंबी खिंचती नजर आ रही है। जहां तक सवाल है, ये जिस तरीके से बीजेपी ने जो एक फार्मूला बनाया है कि जो पुराने जो सीनियर ऐसे 13 नाम सामने आ रहे हैं जिनको मंत्री ना बनाया जाए, और जो नए चेहरे हैं, कमलनाथ सरकार ने यह प्रयोग किया, नए चेहरों को मंत्री बनाया था, और बीजेपी भी अब इसकी ओर बढ़ रही, क्योंकि आप देखिए नए चेहरों को संभालना, चूंकि जो जनादेश मिला है उस जनादेश के अनुसार नए चेहरों को संभालना, जो नए विधायक हैं जो जिनको अब तक जिनको मिनिस्टर इन वेटिंग कह सकते हैं, जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, उनको अगर मौका नहीं बीजेपी देगी तो जरूर डबाडोल की स्थिति रहेगी, और जो सीनियर हैं उनको एक बार उनकी अनदेखी की जा सकती है। लेकिन बीजेपी में एक है कि हमेशा बैकअप प्लान लेकर बीजेपी हमेशा चलती रही है, तो अगर इनको दरकिनार किया जाएगा, जो सीनियर हैं जो लगातार 15 सालों से या 10 सालों से मिनिस्टर हैं, उनके लिए बैकअप प्लान बीजेपी का मुझे लगता है ये हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किसी न किसी रूप में किया जाए, ताकि नए चेहरों को आगे लाया जा सके।
यह तय है कि बीजेपी नए चोरों पर दाव लगाने जा रही है। भोपाल में भी यह संभव हो सकता है। विष्णु खत्री का नाम बड़ी तेजी से चल रहा है और संघ का समर्थन भी विष्णु खत्री के लिए और कैलकुलेशन भी विष्णु खत्री के लिए बन रहा है। तो ये सारी चीजें हैं और बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा बैठे हैं, सुहास भगत के साथ उनकी चर्चा हो रही है। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारी चीजें। कितनी चर्चाएं अनिल जी, वहाँ चर्चा हो रही नड्डा जी से, प्रधानमंत्री जी से, सब चर्चाएं हो रही है। अब ये यहाँ बैठ के क्या चर्चा करेंगे, वहाँ चर्चा हो गई, जो भी चर्चा होनी वहीं से आनी है। साहिनी जी, ये कमलनाथ जी ने, जैसा अनिल जी बोल रहे हैं, कमलनाथ जी ने प्रयोग किया था, प्रयोग आपने देख लिया, 15 महीने सफल रहा। अब ये प्रयोग अगर यहाँ होता है तो क्या ऐसा उम्मीद, हालांकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ इस तरह का माहौल नहीं हो सकता है। वहां सत्ता 3 जगह बटी हुई थी और एक सत्ता गई, इसी कारण ये स्थिति हुई है। क्या ऐसी उम्मीद है साहिनी जी? नहीं, जैसे अनिल जी ने भी कहा कि अभी जो है, सिंधिया जी को ने पहले कहा उनको 11 मंत्री पद उनके लोगों को मिलेगा, तो वो तो हो गया है। अब बाकी जो सीट कम हो रहा है, 10 है, 11 है, 11 की बात हुई है, जितना 11 उनके मंत्री मिल रहे हैं, 6 उनके हैं, 4 जो अपने आप चले गए, अपने आए थे, तो ऐसा टोटल 11 तो मंत्री पद चले गए इनके पास से। बाकी जो बचे हैं, और उसमें जैसे नए चेहरों को, मैंने पहले भी कहा, नए लोगों को देने की बात चल रही है। हाई कमान का बिल्कुल निर्देश है, कुछ नए लोगों को लाना है, तो अगर नए लोग लाते हैं तो सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। जो सीनियर पहले मंत्री पद में रहे हैं, उनको, बीजेपी के जो मंत्री रहे हैं, उनको अपने आप को इसके लिए ढालना पड़ेगा कि सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो बनी है वो सिंधिया जी की वजह से ही बनी है, तो उनकी जो बात है उसको नहीं काट सकते वो। तो ये बात जो है पहले से ही कहा गया बीजेपी के अंदर कि अगर किसी का भी नाम कटता है तो उसमें वो फिर कोई विरोध नहीं करेंगे पार्टी के अंदर, और एक डिसिप्लिन पार्टी है बीजेपी, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की तरह वहां पर कोई विरोध की आवाज निकलेगा। ये एक बार बन जाते मंत्री पद, जब तक मंत्री पद नहीं बनता तब तक तो सब अपने लिए लगाते रहेंगे, कहीं ना कहीं से दाव पेश लगाएंगे, लेकिन एक बार ऐलान हो जाता है उसके बाद तो बीजेपी के अंदर, क्योंकि एक डिसिप्लिन पार्टी है, तो कोई ज्यादा आवाज नहीं उठाएंगे इसके बारे में। लेकिन नए लोगों को जरूर, नए चेहरे इस बार जरूर आएंगे, और कुछ नए चेहरे यानी जो 4-5 बार से विधायक, हाँ, जो विधायक रह चुके हैं, 2-3 बार विधायक बन चुके हैं, जैसे इंदौर से उषा ठाकुर है, उनका नाम काफी सामने आ रहा है। अब वहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय अपने मंडल जी को लाना चाह रहे हैं, तो ऐसे कई नए चेहरे आएंगे, पर यह है कि इसके वजह से पुराने जो मंत्री पद में रहे, विजय शाह जी हैं या कई नाम ऐसे हैं जिनके नाम कटने का लगता है कि नाम उनका कटेगा, तो इसलिए थोड़ा पेच अटका हुआ है। आशीष जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला वहां तक चला जाए कि भाई उपचुनाव हो जाए, जब तक देवशानी कहते हैं वो देव जो सो रहे हैं वो भी उठ जाएंगे, और कि जल्दी हो सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, अब तो दिल्ली के देव नहीं जगा पाए, ये 3 दिन वहाँ, 2 दिन इन्होंने एक्सरसाइज की, तो वो तो बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए, ये देव शयनी 1100 जो पौराणिक महत्व की चीजें हैं, ये अपनी जगह ठीक है, सही बात है, लेकिन विधानसभा का भी सत्र होने वाला है कि 5 मंत्री पूरी विधानसभा का सत्र और सवाल कैसे हैंडल करेंगे। फिर वहाँ ये सवाल भी आएगा कि एक न्यूनतम संख्या जो होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा सत्र के पहले छोटा मोटा विस्तार ही सही, लेकिन इन्हें करने की जरूरत जरूर पड़ेगी, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई फार्मूला बनाना पड़ेगा, और अगर फार्मूला नहीं बनता है तो विधानसभा सत्र के बाद पूर्ण विस्तार किया जा सकता है, अभी कुछ मंत्री बना लिए जाएं, क्योंकि इतने कम संख्या में जब मंत्री होंगे तो विधानसभा में विपक्ष का भी, कमजोर विपक्ष नहीं कहा जा सकता, काफी संख्या में लोग हैं कांग्रेस के पास भी, तो वो जो उस स्थिति का सामना करना पड़ेगा वो भी उतनी ही विकट होगी जितनी अभी भाजपा के अंदर जो स्थितियां विकट है। अयोध्या जी, कहीं ऐसा तो नहीं प्रदेश मध्यावधि चुनाव के ओर एक बार फिर जा रहा? ऐसी स्थिति तो त्रिपाठी जी नजर नहीं आ रही कि मध्यावधि चुनाव की ओर जाए। मध्यावधि हो चुके हैं, हाँ हो तो चुके हैं पहले, लेकिन अभी ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अभी 24-22 इलेक्शन होना है और उनके रिजल्ट से तय होगा कि सरकार का भविष्य क्या होगा और कांग्रेस का भी भविष्य क्या होगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार तो त्रिपाठी जी होना ही है, वो तो होगा ही सबको है, क्योंकि जो बात है कि विधानसभा का सत्र जो सामने है, कब होगा ये बात नहीं, विधानसभा सत्र के पहले होना चाहिए ऐसा आदेशा है कि विधानसभा सत्र से पहले एक होगा, क्योंकि इतने कम संख्या में मंत्री रहते हुए विधानसभा को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, और भी 14 लोग होने चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जी जी,
तो एक विस्तार तो अभी होना है और जल्दी ही होना है, ये बात भी तय है। मैंने सिंधिया जी के सारे बना दे, तीन इनके हैं पहले से कंसिस्टेंसी, 14 हो गए शाइनी जी, 11 और 3 14 हो गए, 11 3 14 दो तो पहले से बने हैं ना सिंधिया जी के, 9 बनेंगे, 3 इनके तो सीधे। अनिल जी कुछ कहना तो नहीं है, उसमें समय समाप्त हो गया है। देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस बात को लेकर बड़ी आलोचना हो रही है कि इतने समय 100 दिन से ज्यादा हो गया, अब तक वो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाए हैं, 5 मंत्रियों से काम चला रहे हैं। वो तो करना चाहते हैं, ऊपर से ऊपर से हरी झंडी नहीं हो रही। बिल्कुल, लेकिन जो राजनीति का जितना मैंने अध्ययन किया है, आपको ध्यान होगा 1972 में प्रकाश चंद सेठी ने, जब उनको 28 जनवरी 1972 को इंदिरा गांधी ने सीएम बनाकर भेजा था श्यामाचरण शुक्ला के स्थान पर, तो उन्होंने 3 मंत्रियों को लेकर चुनाव फेस किया था। चुनाव जीतने के बाद वो, उसके बाद भी उन्होंने 11 मंत्री से सरकार चलाई जब तक वो मुख्यमंत्री रहे 1975 तक। तो उस समय तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों मिलाकर राज्य हुआ करते थे, बड़ा था। तो उस समय प्रकाश चंद सेठी ऐसा कर चुके हैं, तो शिवराज जी को भी मेरे ख्याल से मौका मिलना चाहिए, 2-3 दिन और मंथन कर ले सरकार। लेकिन उसके आगे का भी इतिहास है कि 11 मंत्रियों के साथ चले, फिर हटा भी दिए गए, वापस शरण आ गए थे, 75 में उनको हटा दिया गया था और फिर वापस जी शिवराज ने भी 17 मंत्री से चलाए हैं। सेठी जी हटा भी दिए गए थे, 11 मंत्री चला रहे उस समय। ये आपका ये लगाम भी नहीं लगाई गई थी कि आपको 15% से ऊपर नहीं बनाना है, लेकिन चुनाव उन्होंने 3 मंत्रियों से फेस किया था, 3 मंत्रियों के साथ। उसके बाद आपको ध्यान हो सेठी जी का धीरे 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 राजनीति से ही गायब हो गए हैं, आपको भी ध्यान होगा। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस टूटी थी, इंदिरा कांग्रेस बनी थी, फिर दूसरे को, तो उस समय दूसरे खेमे में भी गए थे सेठी, फिर बाद में इंदिरा कांग्रेस के साथ वापिस भी आए थे। लेकिन जो जिस तरीके से बीजेपी उपलब्धि दिवस 3 जुलाई को मनाने जा रही, तो मुझे लगता है कि उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। 2 जुलाई की तारीख जो है वो मुझे संभावित नजर आ रही है, और मंत्रिमंडल विस्तार 2 जुलाई को हो सकता है। मीडिया का काम ही है कयास लगाना, कयास नहीं लगाएंगे तो काम कैसे चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका, आशीष जी और साइनी जी आपका, अंगति जी आपका, हमारे साथ शरीक होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा, लेकिन ये कल है कि आ ही नहीं रहा है। ऐसे में मंत्री बनने की चाहत रखने वालों की बेचैनी बढ़ रही है। ये स्थिति तब है जब सत्ता परिवर्तन के बाद शिवराज अपने 4th कार्यकाल के 100 दिन भी पूरे कर चुके हैं, लेकिन उनकी टीम में अब तक सिर्फ 5 ही सदस्य हैं। मंत्रिमंडल का 100 दिन बाद भी विस्तार न हो पाना कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कई वरिष्ठ नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है। कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन सिंधिया समर्थक नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह देने की वजह से इनको निराश करने की मजबूरी सीएम शिवराज और आला कमान के सामने है, क्योंकि प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव भी होना है जो ये तय करेंगे कि बीजेपी सत्ता में रहेगी या नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज के दिल्ली दौरे के बाद भी मंत्रिमंडल का अंतिम स्वरूप अब तक सामने नहीं आया है, और जब तक विस्तार नहीं होता तब तक भाजपाइयों में बेचैनी रहेगी। इसी के साथ जनता भागीदारी है, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवाल के साथ। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।